तो फ्रेंड्स गुआवा का प्लांट को मैसेज कैसे करता है, मतलब ज्यादा फ्रूटिंग लेने के लिए मैसेज कैसे करता है, मैसेज करना जरूरी रहता है क्योंकि ये प्लांट हमने काट दिया, इसका पत्ता देखिए या नीचे देखिए, सब पत्ते को काट दिया। काटने के बाद मेरे को समझ में आया कि हम वीडियो में दिखाता हूँ, तो दूसरा प्लांट भी हम दिखाता हूँ आप लोगों को। और मैसेज करना किस लिए है, क्योंकि देखिए इसमें जब ज्यादा पत्ते वगैरह हो जाता है तो इसको काट देना होता है। यहाँ पर जितना हरा भरा मतलब इतना पत्ता था कि ये जो गुआवा जो लगा हुआ है ये भी दिखने को नहीं मिल रहा था, इतना पत्ता था इसमें। तो अभी मैसेज करना किस लिए, क्योंकि जितना मैंने पत्ता कटा है ना इसके गुरे गुरे में नया ब्रांचेस निकलेगा पत्ता कटने के कारण, और एक बार इसमें फ्रूटिंग ज्यादा आएगा। अभी मैसेज कैसे करना है, इसका तो पत्ता मैंने काट दिया, अभी दूसरा पौधा जब हम काटेंगे तो आपको हम दिखाता हूँ। और मैसेज इस तरह करना है ज्यादा प्रोटीन लेने के लिए, इसको ऐसे बंद दीजिएगा, देखते रहिए। हम बात आज कम करते हैं और आप लोगों को हम दिखाते हैं, आप देखते रहिए कैसे मैसेज कैसे करना है। इस तरह इसको टेढ़ा कीजिएगा, जितना हो सके टेढ़ा कीजिए कच्चा कि टूटे नहीं। तो ये है करने का प्रोसेस, इसको बोलते हैं मैसेज। मैसेज करना जरूरी होता है। हाँ, लेकिन आप लोग छोटा प्लांट को, ज्यादा छोटा प्लांट को मत कीजिएगा। जब 5-6 महीने का हो जाएगा तब, ये मेरा जैसे 5 महीने का प्लांट है। और हाँ, ऐसे मैसेज करना है कि टूट ना जाए, अगर टूट जाएगा तो शायद वो डाले डैमेज हो सकता है, तो टूट ना जाए आहिस्ता करके प्यार से उसको ऐसे नीचे की तरफ मोड़ना है, ऐसे मोड़ दीजिएगा। मोड़ने के बाद इसका पत्ता वगैरह सब काट के मोड़ दीजिएगा। मोड़ने के बाद किसी चीज में आप मोड़ के बांध सकते हैं। अभी जैसे इसमें बहुत सारा ब्रांचेस निकल जाएगा, जहां जहां से हम पत्ता कटे ना वहां से ब्रांचेस निकलेगा। और गुआवा का एक ऐसा वेराइटी है कि नया पत्ता जब तक निकलेगा तभी उसमें फ्लावर लाएगा, तो नया पत्ता भी निकलेगा फ्लावर भी लाएगा और इसमें पूरा सनलाइट पौधे के ऊपर अभी गिरेगा। अभी झोड़झाड़ पौधे के लिए सनलाइट नहीं पड़ रहे थे तो फ्लावर आते थे लेकिन फ्रूट कम टिकते थे। तो देखिए इसमें से इतना फ्रूट लगा हुआ जितना है काफी है, लेकिन अभी मेरे पौधे के थोड़ा सॉलिड हो गई है, अभी हिम्मत बढ़ गई है, तो इसमें हम और भी ज्यादा फ्रूट ले सकते हैं। और ये वॉल टाइम वैरायटी है, आप शायद देखते होंगे कि देखिए यहाँ से मैंने हार्वेस्टिंग किया, ये देखिए और थोड़ा करीब लाओ, ऐसे मैंने हार्वेस्टिंग किया, देखिए कितना सारा हार्वेस्टिंग किया, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, ये सब हार्वेस्टिंग किया। ये वॉल टाइम वैरायटी है, वॉल टाइम होते रहता है, तो मैंने ये कर दिया, इसका फलन भर गया। और कोई भी प्लांट में अगर पत्ता मान लीजिए पूरा ज्यादा हो गई है तो इसको काटना जरूरी होता है, क्योंकि इसमें जैसे अगर फ्लावर अगर आएगा तो ये फ्लावर जो है ना टिका नहीं पाएगा, क्योंकि फ्लावर में फ्रूट में थोड़ा धूप होना चाहिए। पौधे को हमको हरा भरा दिख के कोई फायदा नहीं है, पौधे में फलन कैसे आएगा वो हमको दिखना है। हाँ, तो पौधे के फलन के लिए थोड़ा अगर ज्यादा पत्ता है तो उसको थोड़ा काट देना ही बेहतर है, ताकि उसमें मंजर आएगा, फ्लावर आएगा और फ्रूट भी ज्यादा टिकेगा। और ज्यादा पत्ता होंगे तो वो पौधा ही आपको हरा भरा लगेगा, लेकिन पत्ता में भरपूर होगा लेकिन उसमें फ्रूट ज्यादा नहीं होंगे। तो ज्यादा पत्ता अगर हो सके तो उसको थोड़ा कम कर दीजिए काट के, क्योंकि उतना पत्ता भी अच्छा नहीं है। और
ऐसे काट दीजिएगा। इसमें जैसे हम काट रहे हैं, इसमें अभी क्या है, चारों तरफ पौधे को धूप मिलेगा और इसमें जब फ्लावर आएगा तो इसमें सॉलिड फ्रूट टिकेगा, बहुत ही ज़्यादा फ्रूट टिकेगा। ये देखिए ये कितना पत्ता हो गई है, इसमें अंदर तक धूप नहीं जा रहा है। अभी क्या है, ज़्यादा जब पत्ता हो जाएगा किसी का तो इसमें बीमारी भी लगता है, जैसे कीड़े वगैरह लगता है। हाँ, इसमें क्या है, मकोरा का ये छतरी बनाता है इसमें, तो क्या है ये वो बीमारी से भी बचता है। ज़्यादा छावा होने पर वो बहुत कुछ कीड़ा वगैरह लगता है, ऐसे सफाई कर देना है थोड़ा थोड़ा पत्ता कट के, ताकि वो पौधे को धूप मिले और उसमें फ्रूटिंग भी ज़्यादा मिले आपको। और पौधे में फ्रूट में धूप मिलना जरूरी होता है, इसलिए देखिए मैं पौधे को हरा भरा नहीं देखेंगे, इसमें फ्रूट ज़्यादा आएगा वही हम दिखेंगे। जैसे इसमें फ्रूट आएगा तो टिकेगा, तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा पत्ता काट देना है। यह मेरा वाटर एप्पल का प्लांट है, वाटर एप्पल का यहाँ पर दो वैरायटी है, यहाँ एक वैरायटी, यहाँ यह डलहारी चंपा, यह बाली चंपा, दोनों वाटर एप्पल का प्लांट है। थोड़ा बहुत पत्ता कटने में क्या होता है, पत्ते के गूरे से ब्रांचेस निकलता है, इसीलिए अगर कुछ पत्ते काट देंगे तो इसमें ब्रांचेस भी होगा ज़्यादा, इसमें फ्लावर भी ज़्यादा आएगा, फ्रूट भी टिकेगा। और हमको पत्ते में पौधे में कोई फर्क नहीं है, मैं उसका छत्ता भी नहीं बना पाएगा, नहीं तो जे वो एकदम झोरझार हो जाता है तो अंदर में छत्ता बना देता है, कीड़े वगैरह में छत्ता बना देगा, आहिस्ता आहिस्ता उसका पत्ता वगैरह को चूसने लगेगा, खाने लगेगा, फिर वो पौधे को एकदम आहिस्ता आहिस्ता डैमेज कर देगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इससे अच्छा पत्ते को ही काट दीजिए, धूप वगैरह भी मिलेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, पत्ता काट देने से देखने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फायदा तो होता है ना। और यह देखिए ऐसे करके कर देना है, तो देखिए वो कितना क्लियर कर दिया मैंने, बहुत झोरझार था, मैंने इसका झोरझार बहुत कम कर दिया, ये देखिए मैंने बहुत कम कर दिया, देखिए बहुत सारा पत्ता को काट दिया, अभी कितना अच्छा लग रहा है देखिए। और इसमें देखिए कीड़े वगैरह भी नहीं छुपा पाएगा, इतना झोरझार हो गया, इसमें कीड़े वगैरह में छत्ता बना रहे थे तो छत्ता भी ना बनाए और इसमें पूरा पूरा धूप भी मिले। तो ये देखिए ऐसे करके मैंने पत्ते को काट दिया। अभी आइए हम दिखाता हूँ स्टार्टिंग से गोवा को क्या करना चाहिए। जैसे ये मेरा रेड डायमंड गुआबा है, देखिए मंजर तो आते हैं, फ्लावर तो आते हैं, लेकिन फ्रूट नहीं टिकते हैं इसमें। अभी फ्रूट नहीं टिकता है तो इसका पत्ता जो है ना ज़्यादा हो गई है, उसका जब फ्लावर आते हैं तो फ्लावर को धूप नहीं मिलता है सही से, फ्रूट नहीं टिकता है। ये मेरा एक वैरायटी दिख रहा है, ये भी ऑल टाइम है, देखिए इसमें फ्लावर है और इसमें फ्रूट भी, फ्रूट सब मैच्योर हो गई है। तो इसको कैसे मैसेज करना है देख लीजिए, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा पत्ता को काट दे रहा हूँ।
तरह कीजिएगा, इस तरह मैसेज कीजिएगा ताकि टूटे नहीं, इस तरह कीजिएगा। हम इसका रिजल्ट भी दिखाएंगे आप लोगों को, या मैंने ऐसा किया ना, इसका रिजल्ट भी हम दिखाएंगे। देखिए बहुत सारा लोगों का बहुत सारा टेक्निक हो सकता है, मैं किसी के बारे में नहीं बोलूंगा कि ये मैं सही कर रहा हूँ, वो लोग गलत कर रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए अलग अलग आदमी का अलग अलग टेक्निक हो सकता है, लेकिन ये मेरा टेक्निक है और ये मेरा खुद का मदर प्लांट है। अगर इसमें अच्छा ही ना हो तो मैं भी नहीं करते, तो आप लोगों को इसका हम रिजल्ट भी दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स ये है मैसेज, इस तरीके से मैसेज कीजिएगा। पत्ते को काट के उसके डाली को नीचे से ऐसे आहिस्ता करके मोड़ दीजिएगा ताकि ना टूटे, मोड़ के गुरे पर बांध दीजिएगा। फिर इसमें धूप भी गिरेगा, पत्ता भी नहीं है इसमें, फ्रूट भी ज्यादा टिकेगा। मैसेज करना जरूरी है। अभी हम हर किसी को करेंगे, जितना भी मेरा गुआवा का वैरायटी है इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, सभी को करेंगे। लेकिन उससे पहले एक हम वैरायटी दिखाता हूँ कि अगर कमर्शियली कोई करना चाहते हो तो इधर आइए। ये जो स्टार फ्रूट, स्टार फ्रूट का मैं जो बोल रहे थे ना बाड़ी में, कि मेरे पास एक ऐसा स्टार फ्रूट है जो थोड़ा महंगा है, लेकिन इतना अच्छा वैरायटी है, क्या बोलूं आपको। और एक नॉर्मल भी है, नॉर्मल भी है मेरे पास। और ये बिग साइज में होता है इसका। देखिए ये मेरा 5 महीने का प्लांट है, आप लोगों को मैंने तो दिखाया था, शुरुआत से दिखाया था, तो इतना सा लगाया था मैंने। तो देखिए इतना सा, एक डाली जैसा इतना सा लगाया था मैंने। इसको प्रूनिंग करते 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 प्रूनिंग करते करते इतना सारा ब्रांचेस हो गई है, और देखिए कितना जोर झार हो गई है। और देखिए माशाल्लाह इसने इतना फलून है। अगर कोई कमर्शियली, मैं 100% गारंटी देता हूँ, कमर्शियली जरूर कीजिए इस वैरायटी का। वो लोकल वैरायटी का ना करे तो इस वैरायटी का जरूर कीजिएगा। और अगर जो लोग ज्यादा क्वांटिटी में प्लांट लेंगे उसको हम होलसेल की तरह रेट दे देंगे। ये थोड़ा महंगा है लेकिन हम होलसेल तरह दे देंगे। और इसका हम रिजल्ट दिखाता हूँ, इसका रिजल्ट क्या है, आप चौंक जाएंगे इसका रिजल्ट देख के। आज तक ऐसा फलन किसी स्टार फ्रूट मैंने नहीं दिखा। और स्टार फ्रूट बहुत महंगा है मार्केट में, हर जगह में महंगा है। ये अचार बनता है, इसमें बहुत कुछ बनता है, और कच्चा भी पकने के बाद भी बहुत मीठा होता है, रसीला। तो ये स्टार फ्रूट है ना बहुत महंगा है, आप अगर कमर्शियली करेंगे तो मलामाल हो जाएंगे। और इसका रिजल्ट देखिए, इधर आइए थोड़ा वीडियो को अच्छे से जूम करके दिखाइए। इसका रिजल्ट देख लीजिए माशाल्लाह, यहाँ पर देख लीजिए, इसका फलन देख लीजिए। ये पूरा प्लांट में ऐसा फलेगा। ये थोड़ा पहले फ्लावर आए थे, और हाँ इसका एक बात, इसका ये रेड कलर में होगा, जो ग्रीन कलर में आपने देखा वो दूसरा जो वैरायटी है, ये रेड कलर में होगा। और इसका फलून, ये क्या बोलो आपको, ये इतना फलता है, इतना फलता है, क्या बोलो आपको, हर तरफ देखिए। ये अभी तो निकल रहे है, उसमें फ्रूट लग गई है, इसमें निकल रहा है। अभी इस तरफ देखिए, थोड़ा इधर देखिए, इधर देखिए, जिधर निकल गया है उधर का फलून देख लीजिए। ये कितना फलून होगा ये आप लोग सोच लीजिए। तो ये कमर्शियली करने के लिए ये वैरायटी, अगर जमीन हो तो ये वैरायटी को कमर्शियली करने के जरूर लगाइएगा। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा फलून है इसका। ठीक है, इसमें भी मंजर आना शुरू हुआ है, मंजर आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। ये देखिए, कोई जगह में फ्रूट लग गई है, कोई जगह में मंजर निकल रहा है। ये सब जो जगह दिख रहा है ना, ये देखिए इसमें भी निकल रहा है। मतलब इतना इतना होगा कि ये पौधे को टिकाना पॉसिबल हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा ये पौधे को टिकाने का। तो इतना फलून है इसका, और इतना अच्छा रिजल्ट है, और बड़ा होता है, रसीला होता है, खाने में बहुत स्वादिष्ट है।
और ये एकदम अलग वैरायटी है। वो जो लोकल वैरायटी तो हर नर्सरी में मिलता है, हर जगह में मिलता है, बहुत सारा लोगों का पास भी है, लेकिन कॉमर्शियली की बारे में बहुत कुछ लोग बहुत, जैसे गुआवा, बेर, ऑरेंज, मल्टा, बहुत सारा कॉमर्शियली करने को लोग बोलता है। लेकिन ये मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ लोगों को कि इसका कमर्शियली कीजिएगा। ये मार्केट भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देखिए ये ज्यादातर लोगों का ये प्लांट तो नहीं है और ये मार्केट में बहुत ही अच्छा बिकता है। जो गरीब किसान लोग है, 2-2.5 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ भी है, तो मान लीजिए आप धान लगाते हैं, गन्ना लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, तो मैं बोलूंगा कि वो 1-2 एकड़ जमीन में ये लगा दीजिए। लगाने के बाद आप कुर्सी पर बैठ बैठ के पैसा गिनने लगी है। ये इतना कमाल वैरायटी है, और ये कितना दिन बोला, 5 महीने। 5 महीने के अंदर इतना झोरझार, इतना फलुंदर है। 5 महीने, आपको 8 महीने के अंदर पैसा आने लगेगा। यह 5 महीने हुआ, 3 महीने के अंदर यह पैसा आने लगेगा, 8 महीने के अंदर इसमें पैसा आने लगेगा। कैसे लगाना है, किस तरीके से क्या करना है, क्या ऐसे ग्रो करना है, कभी इसमें प्रूनिंग करना है, कैसे ज्यादा फ्रूट लेना है, सब प्रोसेस हम बता देंगे। जो लेंगे, जो ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे, उसको होलसेल रेट में मिला जाएगा। और ये वैरायटी अगर एक बार आप लेके देखिएगा, मैं 100% उम्मीद के साथ बोलता हूँ, आप मलामाल हो जाएंगे। जो बेचारा गरीब किसान लोग है, जो 2-1 एकड़ जमीन को लेके गेहूं लगाता है, गन्ना लगाता है, धान लगाता है, कुछ भी लगाता है, लेकिन वो 2-3 एकड़ जमीन में अब कुछ नहीं कर पाते हैं, ना तो अच्छे से खा पाते हैं, ना तो बच्चे के लिए कोई कुछ करना पाते हैं, तो मैं बोलूंगा वो गन्ना वगैरह को, धान खेती वगैरह को छोड़िए और इसको लगाने की कोशिश कीजिए। एक ही बार आपका पैसा खर्चा होगा शुरुआत में इसको लगाने में, बाकी इसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर 6-7 महीने तक इसको पानी की जरूरत होगा, उसके बाद आप पानी भी नहीं देंगे तो चलेगा, ये बिना पानी के चल जाएगा। जमीन में लगाएंगे तो बिना पानी के भी चल जाएगा, इसमें कोई खाद नहीं, कोई कीटनाशक, कुछ भी नहीं देना है। हाँ, साल में एक बार कीटनाशक देना है, फिर भी हल्का फुल्का, कोई आपको ज्यादा कोई, और इसमें खास तरह के कोई स्प्रे नहीं करना पड़ता है, दवाई वगैरह भी नहीं देना पड़ता है। बस कभी कभी महीने में एक बार फंगिसाइड यूज कीजिएगा, एक एक पौधे में फंगिसाइड यूज करने में 1-1 रुपया पड़ता है। तो मान लीजिए आपका अगर 100 प्लांट है, तो हफ्ते में 15 दिन में 100 रुपया करके खर्चा होगा, 15 दिन में, महीना में 200 रुपया खर्चा आएगा इसका। तो इसका अच्छा रिजल्ट देख लिया आपने, कितना अच्छा है, यह बिग साइज का स्टार फ्रूट है, आप कमर्शियली जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो हम आज हम बहुत कुछ करेंगे, तो और हम वीडियो में नहीं दिखाएंगे, यह आपको दिखाना था दिखा दिया। और एक बात है, देखिए ये अगर कोई अगर बेर का करना चाहते हैं तो बेर का भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है, बेर का कमर्शियली जो लोग कर रहे थे वो कर चुका है, और बेर का अभी मार्केट थोड़ा स्लो भी होने लगा है। तो ये देखिए, ये बेर भी बहुत अच्छा है, ये मिस इंडिया बेर का प्लांट है, इसमें जबरदस्त कलर आएगा, अभी कलर तो आने लगा देख रही है, और इसका भी फलून मस्त है, देखिए यहाँ पर देखिए, ये मस्त फलून है इसका भी, लेकिन हाँ इसका मार्केट थोड़ा ढील हो गई है, थोड़ा लूज पड़ गई है, इसीलिए मैं बोलूंगा न्यू कुछ वैरायटी लगाना सीखे। यह स्टार फ्रूट हर जगह में चलता है, हर लोगों को पसंद है, और कमर्शियली के लिए बहुत ही अच्छा है, मार्केटिंग बहुत ही अच्छा होता है। हमारे इधर तो बहुत लोगों का पास है, फिर भी बहुत अच्छा मार्केटिंग होता है। तो फ्रेंड्स, ये कमर्शियली के लिए जरूर लगाएगा स्टार फ्रूट। और वीडियो को जिन लोगों ने देखा यह बहुत बहुत धन्यवाद, अगर नहीं देखा है तो वो लोग मिस किया होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नया कुछ लेके मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छा रहे, सुरक्षित रहे, टेक केयर।